नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सोलिड 8181 प्रो और सोलिड 2100 प्रो के जो है इंटरनल पार्ट के बारे में जानकारी दूंगा। इनके मदरबोर्ड के बारे में जानकारी दूंगा कि दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटी है। तो आप ये मेरे सामने देख सकते हैं सोलिड 8181 प्रो और एक सोलिड 2100 प्रो 2100 प्रो। तो दोनों के जो है सामने का फ्रंट आप देख सकते हो, 8181 प्रो में भी बटन दिए गए हैं और 2100 प्रो में भी, और इनके अंदर का कार्ड भी देख लो सेम साइज का है, लगभग लगभग 90% तो सेम ही है कार्ड भी। ये जो है 8181 प्रो, यहाँ पे सामने इस टाइप से बटन दिए गए और 2100 प्रो में भी ये बटन दिए गए मगर थोड़े से अलग डिज़ाइन में। और यहाँ पे एक दोस्तों एक USB भी दिया हुआ है, और यहाँ पे भी 8181 प्रो में भी यहाँ पे USB का दिया है, 2100 प्रो में यहाँ पे दिया है, ठीक है। और अब बात करते हैं इनके मदरबोर्ड की। तो ये 8181 प्रो का मदरबोर्ड आप देख सकते हो, इसमें कोई जो है RS-232 का पोर्ट नहीं दिया है, जबकि 2100 प्रो के ओल्ड जो मॉडल है इसमें RS-232 का जो है सॉकेट दिया हुआ था। देख लो दोनों के दोनों कार्ड जो है लगभग सेम साइज के हैं, हल्का सा डिफरेंस होगा, हल्का सा भी नहीं, बहुत मामूली, कुछ भी नहीं, सेम ही है, थोड़ा सा अलग डिज़ाइन का है, बाकी साइज वगैरह भी सब कुछ सेम है। तो एकदम ही दोस्तों बॉडी भी सेम ही है, बस थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज कर दिया, आगे का जो है बटन वगैरह की डिज़ाइन चेंज कर दी और बॉक्स की डिज़ाइन चेंज कर दी, बाकी तो 2100 प्रो से जो है मिलता जुलता ही है ये नया वाला 8181 प्रो। और 2100 प्रो में जो RS-232 का पोर्ट होता था ओल्ड में, ये आप देख सकते हो यहाँ से मैंने सॉकेट निकाली हुई है, मगर इसमें RS-232 का पोर्ट था, जबकि अभी जो है नया 8181 प्रो इसमें RS-232 का कोई भी पोर्ट नहीं दिया हुआ है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं किसी और नए दिन किसी और नई जानकारी के साथ।